हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान, जिसके रिलीज के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पे इस मूवी को बैन करने की बात ट्रेंड करने लगी थी। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान, बायकॉट करेंगे हम, खाएगा यहाँ का, गाएगा पाकिस्तान का गुण, हकला। शाहरुख खान को तो मैं पसंद नहीं करता। यस, बिल्कुल बायकॉट करेगी जवान को, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी ने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करी। आखिरकार किस वजह से लोग इस मूवी को बॉयकॉट करना चाह रहे थे, और ये मूवी कौन कौन सी सच्ची घटनाओं और दूसरी मूवीज या सीरीज से इंस्पायर्ड थी, तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के प्लॉट के बारे में, जिसमें शाहरुख खान जो कि आजाद राठौर का रोल निभा रहे हैं जवान मूवी में। और मूवी की शुरुआत में ही आजाद राठौर बहुत बड़ी चोरी या हाइस्ट अंजाम देते हैं अपनी फीमेल टीम के साथ मिलकर, जहां पर शाहरुख खान जो कि इस टीम के कैप्टन है, इस हाइस्ट को अंजाम सिर्फ सिस्टम या सोसाइटी में हो रहे करप्शन से लड़ने के लिए अंजाम देते हैं। इस सीन में आजाद राठौर का कैरेक्टर हाईली इंस्पायर्ड है 2017 में रिलीज हुई स्पेनिश सीरीज ला कासा डे पेपल यानी मनी हाइस्ट के एल्वारो मोर्टे एके प्रोफेसर से, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर बैंक ऑफ स्पेन में चोरी करते हैं, जिसके बाद चोरी अंजाम देने के बाद अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सारे टीम मेंबर सभी हॉस्टेजेस के साथ ही डाली मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं। वहीं अगर जवान मूवी की बात करें तो इस मूवी में मेट्रो वाले सीन में हाइस्ट अंजाम देने के बाद सभी टीम मेंबर्स हॉस्टेजेस के साथ एक जैसी पट्टियां पहनकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद जवान मूवी का अगला सीन जो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा करप्शन वाला सीन, जिसमें ये दिखाया गया है कि सरकारी हॉस्पिटल की खराब कंडीशंस और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट छोटे छोटे बच्चे जो एनकेफलाइटिस नाम की मेडिकल कंडीशन से पीड़ित हैं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं, जहाँ पर इनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ करप्टेड सिस्टम था। वहीं मूवी के इस पार्ट में ये भी दिखाया गया कि डॉक्टर इरम जो कि काफी एक ईमानदार डॉक्टर है, वो अकेले ही पूरी कोशिश करती है इन बच्चों को बचाने के लिए और सिस्टम में हो रही गड़बड़ी को अपने सीनियर ऑफिशियल से कंप्लेन करती है। लेकिन शायद ही डॉक्टर इरम को ये पता था कि ये कंप्लेन ही उनके लिए एक बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक छोटे चपरासी से लेकर हायर ऑफिशियल्स तक सभी लोग करप्टेड हैं। बल्कि ये हायर ऑफिशियल ही डॉक्टर इरम के खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगाकर उन्हें ही फ्रेम कर देते हैं, जिसके बाद सालों तक डॉक्टर इरम को जेल के अंदर गुजारनी पड़ती है। वहीं अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो जवान मूवी में दिखाई गई ये स्टोरी इंस्पायर्ड थी 2017 में उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में हुए डॉक्टर कफीर खान वाले इवेंट की, जिसमें 3 दिन के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज नाम के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 63 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और मूवी में डॉक्टर इरम की तरह डॉक्टर कफील खान जो कि मेन इंस्पिरेशन थे इस कैरेक्टर की, वो पूरी कोशिश करते हैं उन बच्चों की जान बचाने की, और वो डॉक्टर इरम की तरह ही हायर अथॉरिटी से भी मदद मांगते हैं। लेकिन मूवी की तरह ही रियल लाइफ में भी डॉक्टर कफील खान को ही झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी काफी लोगों का ये मानना है कि जवान मूवी की इंस्पिरेशन 1999 में सत्यराज की फिल्म थाई नाडू से भी ली गई है। सत्यराज एक्चुअली में वही एक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली मूवी में कट्टापा का रोल अदा किया था, क्योंकि जवान की स्टोरी और थाई नाडू की स्टोरी काफी हद तक मिलती जुलती है। थाई नाडू की कहानी एक मिलिट्री ऑफिसर की थी, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि उसने अपने देश के सीक्रेट दुश्मन देश को चंद पैसों के लिए बेच दिए, और इससे पहले कि ये एलिगेशन प्रूव होते उस मिलिट्री ऑफिसर जिसका रोल सत्यराज ने प्ले किया है उसको ही मरवा दिया जाता है, जिसके बाद मिलिट्री ऑफिसर का बेटा जिसका रोल भी सत्यराज ने ही निभाया था आगे चलकर अपने फादर को इनोसेंट साबित करने के लिए सिस्टम से लड़ता है। इसी तरह जवान मूवी में शाहरुख खान ने भी 2 कैरेक्टर इस मूवी में प्ले किए हैं, पहला आजाद राठौर और दूसरा उनके फादर विक्रम राठौर का, जो कि थाई नाडू की तरह ही एक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। इसके बाद मूवी के आगे पार्ट में विक्रम राठौर जो कि आजाद राठौर के फादर होते हैं उनकी बैक स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि विक्रम राठौर जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर हैं और वो जंग के दौरान ये नोटिस करते हैं कि देश के कई जवानों को अपनी जान सिर्फ और सिर्फ खराब हथियारों की वजह से गंवानी पड़ती है, क्योंकि जंग के बीच ही वो जाम हो जाती हैं। सबसे हैरान होने वाली बात तो ये थी कि इन हथियारों के जाम होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि इन हथियारों को एक बड़े करप्टेड माफिया बिजनेसमैन जिसकी पहुंच ऊंचे ऊंचे पॉलिटिशियन के बीच थी उसकी कंपनी से ही मैन्युफैक्चर करवाया जा रहा था। अब भले ये मूवी का सीन फिक्शनल है, लेकिन इस सीन की भी इंस्पिरेशन ली गई है हमारी मिलिट्री फैसिलिटी में मौजूद खराब व्यवस्थाओं से, जिसकी वजह से हमारे देश के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हिंदुस्तान टाइम्स की 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से
6 सालों के अंदर किस तरह 27 जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ खराब हथियारों की सप्लाई की वजह से। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद मिलिट्री फैसिलिटी देखने वाले स्पोक पर्सन इस अहम मुद्दे पर कमेंट करने से ही मना कर देते हैं। अब भले ही जवान मूवी ने काफी रियल लाइफ इवेंट या दूसरी मूवीज और सीरीज से इंस्पिरेशन ली हो, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सभी से इंस्पिरेशन लेने के बावजूद भी ये एक एक्शन पैक मूवी है जो कि सोसाइटी में बढ़ रहे करप्शन को एक करारा तमाचा मारती है। इसके अलावा भी ये मूवी फार्मर सोसाइटी जैसे अहम मुद्दों पर बात करती है जिन टॉपिक्स पर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसी वजह से इस मूवी ने चंद दिनों के अंदर ही 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली और हर कोई ये मानने पर मजबूर हो गया कि बॉलीवुड का असली किंग कौन है। लेकिन फिर भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जवान मूवी के रिलीज होने के कुछ दिन पहले से ही इसको बॉयकॉट करने का ट्रेंड चलने लगा, क्योंकि हाल ही में उदय निधि स्टालिन जो कि साउथ इंडिया के एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर मिनिस्टर और तो और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के ही बेटे हैं, और उदय निधि स्टालिन ने अपने एक सेमिनार के दौरान सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और कोरोना वायरस से कंपेयर कर दिया, जिसके बाद पूरी सोशल मीडिया पर जवान मूवी को लेकर हड़कंप मचने लग गया। क्योंकि उदय निधि स्टालिन रेड जायंट मूवीज नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी ओन करते हैं और जवान मूवी को तमिलनाडु के रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स उन्हीं की कंपनी को ही मिले थे। भले ही आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये फ्रीडम देता है कुछ भी एक्सप्रेस या बोलने की, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये आर्टिकल भी हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी रिलीजन कास्ट या समुदाय के सेंटिमेंट्स को हट करें, जिसकी वजह से जो उदय निधि स्टालिन ने बोला वो शायद गलत था। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जवान मूवी जो कि करप्शन फार्मर सुसाइड और हमारे जवानों के असली मुद्दों पर बात करती है उस मूवी को बॉयकॉट कर दिया जाए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस मूवी के एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि एक्चुअली में मूवी का पार्ट भी नहीं है उसके गलत कमेंट की वजह से। तो आप लोगों की क्या राय है जवान मूवी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।